है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आखिर मुझे पता नहीं चलता कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है। ये बहुत सारे बच्चों की परेशानी है कि लिटिल का प्रयोग करना तो आता है, लेकिन ये माइनर डिफरेंस क्या है लिटिल में, अ लिटिल में, द लिटिल में, इन दोनों में माइनर क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोग एक एक कर देखते हैं कि आखिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग, यहां पे तीन वर्ड है, आप गौर से देखना, लिटिल है, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों में क्या अंतर है। आखिर कब बोलेंगे हम लिटिल, कब प्रयोग करेंगे अ लिटिल और कब प्रयोग करेंगे द लिटिल। तो जानने का प्रयास करते हैं ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता क्या है और एक एक कर सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिटिल क्या होता है। तो लिटिल के बारे में आप डिटेल ज्ञान जाने। अगर मैं लिटिल को बीच में रखता हूं, तो लिटिल को बीच में रखता हूं और लिटिल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखूं, तो लिटिल इज, लिटिल जो है, लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें, यानी लिटिल इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन में, यानी वह नाउन जो अनकाउंटेबल हो वहां पे हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा, तो लिटिल के साथ सिंगुलर होगा, यानी इट टेक्स सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी लिटिल के साथ नाउन भी सिंगुलर और लिटिल के साथ वर्ब भी सिंगुलर। तो लिटिल इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल कैसा, सिंगुलर होगा और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। अब प्रश्न उठता है कि लिटिल का यूज कैसे करेंगे सर। तो लिटिल का दो तरह से यूज करेंगे वो ध्यान देना, लेकिन पहले कुछ ज्ञान रख लो। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। लिटिल कैसा वर्ड है बेटा, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नो नॉट नहीं आएगा, यानी कह सकते हैं इट नेवर टेक्स नो और नॉट, यानी लिटिल के साथ नो और नॉट का प्रयोग नहीं। ये सब चीज को लिख लो, कॉपी कलम निकालो और लिख लो, आज ही आपका लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की समस्या समाप्त हो जाएगा। तो इट नेवर टेक्स नो और नॉट, इसके साथ नो और नॉट कभी नहीं लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग कभी कभी बोल देते हैं लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय क्या हो सर, तो इसका मतलब बॉय एक नाउन है और लिटिल एक एडजेक्टिव है, तो ये तो सर काउंटेबल हो गया। तो यहां पे जो मतलब हो गया वो छोटा हो गया, लिटिल वर्ड वही है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि इस लिटिल और इस लिटिल में क्या अंतर है, जैसे आप बोलते हो MINUT मिनट, बोलते ना बाबू, तो मिनट हो गया समय की इकाई, मिनट का मतलब हो गया एक मिनट, बोलते मिनट, एक मिनट समय दे दो, तो मिनट का मतलब हो गया मिनट। इसी को तुम पढ़ लो माइन्यूट, तो माइन्यूट का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, देखो MINUT माइन्यूट, तो स्पेलिंग सेम है लेकिन यूज में अंतर है, स्पेलिंग सेम है यूज में अंतर है। जैसे मिनट पढ़ा तो समय की इकाई, माइन्यूट पढ़ा तो सूक्ष्म इकाई, तो माइन्यूट सूक्ष्म, तो माइन्यूट मिनट। उसी प्रकार लिटिल और लिटिल में अंतर है, दोनों एक चीज है। ये लिटिल बॉय लिटिल एडजेक्टिव हो गया, यहां काउंटेबल के लिए आ गया वो अलग कॉन्सेप्ट है, और यहां पर लिटिल इट इज अनकाउंटेबल, इट नेवर टेक्स नो और नॉट, इसका नो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह एक अनकाउंटेबल वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नो नॉट नहीं लेगा, अनकाउंटेबल के साथ आएगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। अब इसका यूज करता हूं तब समझ में आपको आएगा। अब देखते हैं लिटिल का हम यूज कहां करें, कैसे यूज करें, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल पे आते हैं। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करो, हमने कहा एग्जांपल में कि आई नो, मैं जानता हूं लिटिल, आई नो लिटिल अबाउट, I know little about her, मैं जानता हूं little about her, यानी मैं उसके बारे में नहीं जानता। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है लिटिल
इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका हिंदी होता है नगण्य, नगण्य इसका हिंदी होता है ना के बराबर, इसका हिंदी होता है ना के बराबर। तो हमने कहा आई नो लिटिल अबाउट हर, यानी उसके बारे में मुझे ज्ञान नगण्य है, ना के बराबर है, यानी मैं उसको नहीं जानता हूं। तो लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। अब बोलो अगर कोई व्यक्ति बोले आई डोंट नो लिटिल अबाउट हर, मान लो यहीं पे एग्जांपल ऐसे रहे, समझना आराम से, कि आई डोंट नो लिटिल अबाउट हर, तो आप मुझे बताओ बच्चे क्या आई डोंट नो लिटिल, ये डोंट होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए सेंटेंस से गलत हो गया। दो लड़के थे, अब दोनों बच्चे डीएसएल में पढ़ते थे, अब एक लड़का दूसरे लड़के को मार डाला, मारा पीटा, काम किया। अब वो उसके पिताजी कहे कि तू इसको सॉरी बोल, वो लड़का सॉरी बोलना नहीं चाहता था, उसने अंग्रेजी में बोला आई एम लिटिल सॉरी। क्या कहा हमने, बोलो जरा, आई एम लिटिल सॉरी। अब बताओ कि आई एम लिटिल सॉरी सेंटेंस तो राइट है, बट उसने कहा आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल, आई एम लिटिल सॉरी, यानी आई एम लिटिल सॉरी, यानी मुझे कल दुख नहीं है। लिटिल मतलब नगण्य, सॉरी मतलब मैं जो पीटा था ना उसका मुझे कोई दुख नहीं है। अगर बोलता आई एम सॉरी मुझे खेद है, आई एम लिटिल सॉरी मुझे कोई खेद नहीं है। अब बताओ लिटिल का मतलब नगण्य हुआ कि नहीं हुआ, नगण्य। आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट हिम, शी नोज लिटिल अबाउट मी। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर। आई नीड योर लिटिल हेल्प, तुम्हारी मदद की खास जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट ना ना कह करके घुमा फिरा के ना कहते हो, वो बात एक हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आप बोलते हो डायरेक्ट ना नहीं कहना है, आप घुमा के ना कहते हो, प्रत्यक्ष ना नहीं घुमा के ना, जैसे आई एम लिटिल सॉरी, आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट हिम, है ना। आप कहावत बोलते हो ही has little knowledge, he has little knowledge, उसके पास नॉलेज कितना है, लिटिल है, ना के बराबर है। और आई होप लिटिल समझ में आपको आ गया होगा, लिटिल क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं आई लिटिल, आई ए लगा है आई लिटिल। अब लिटिल आई लिटिल में क्या अंतर भाई, तो लिटिल का मतलब नगण और आई लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। आई लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा का मतलब क्या हुआ, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव नहीं है, कैसा है पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है थोड़ा। आई नो, अब एग्जांपल क्या हुआ, आई नो लिटिल अबाउट, आई नो लिटिल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूं। और बढ़िया देख लो, आई नो लिटिल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूं, लिटिल अबाउट हिम, उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूं। आई नो लिटिल नहीं जानता, आई नो अ लिटिल अबाउट हिम, मैं थोड़ा सा जानता हूं। आई नो लिटिल नहीं जानता हूं, आई नो अ लिटिल थोड़ा जानता हूं। अब ध्यान दो, आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, यहां पर हमने देखा और हमने कहा आई एम अ लिटिल सॉरी, आई एम अ लिटिल सॉरी, तो हमने कहा आई एम लिटिल सॉरी मुझे दुख नहीं है, आई एम अ लिटिल सॉरी, तो हमने कहा आई एम लिटिल सॉरी मतलब मुझे कोई दुख नहीं है, आई एम लिटिल सॉरी कोई दुख नहीं है, आई एम ए लिटिल सॉरी मतलब थोड़ा सा दुख है, बात समझना। तो अ लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो आई एम लिटिल सॉरी कोई दुख नहीं, आई एम ए लिटिल सॉरी थोड़ा सा दुख है, आई नीड योर अ लिटिल हेल्प थोड़े से मदद की जरूरत है, आई नो योर अ लिटिल हेल्प थोड़ा सा मदद की जरूरत है, आई नो अ लिटिल अबाउट हर थोड़ा सा उसके बारे में जानता हूं, पास में रहो। तो अ लिटिल का मतलब हुआ थोड़ा सा, ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके साथ चाहो तो नॉट लगा सकते हो कि आई एम नॉट अ लिटिल सॉरी मुझे इतना सा भी दुख नहीं है, आई एम नॉट अ लिटिल सॉरी, आई नो आई डोंट नो अ लिटिल अबाउट हर मैं उसके बारे में थोड़ा सा नहीं जानता हूं। तो अ लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा जरा सा, तो हाँ प्रयोग कर सकते हो, इसके साथ नॉट प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो। तो अ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड। वापिस आते हैं, यहां पर बात होती है द लिटिल की।
हमने कहा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब अगला वर्ड हम लोगों का है द लिटिल। तो द लिटिल का मतलब होता है बाबू जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब। तो द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा सब। ये आप सब बच्चों ने बहुत पूछा है कि सर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है। हमने सोचा बढ़िया से अंतर क्लियर कर दूं। तो द लिटिल जो थोड़ा सब, ये अब अंतर क्या समझना वो समझना। ये पूरे ग्रुप को दिखाता है, ये समूह को दिखाता है, इसमें जितने भी चीज है ये पूरे समूचे को दिखाएगा। तो द लिटिल का मतलब हुआ कि जितना सामान है तो थोड़ा ही। जैसे मान लेते हैं कि हमने बनाया एक ग्लास, समझना आराम से। अब एक ग्लास में मान लो जरा सा पानी है, तो ये हो गया मान लो पानी का एक बूंद पड़ा है, तो कहां में लिटिल है, लेकिन थोड़ा सा भर दिया, ये हो गया पानी। अब इतना तो नहीं है कि पुल भरा हुआ है, तो ये हो गया ए लिटिल। अब ए लिटिल में अब हमने कहा जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब, ये सारा पानी पी गए, तो पानी कितना पिया, अरे थोड़ा सा था सब पी गया, थोड़ा सा था सब पी गया। तो जो थोड़ा सब, तो जो थोड़ा सब के लिए एक ग्रुप को दिखाता है। किसको दिखाता है, एक ग्रुप में, मतलब थोड़े में सब दिखाता है, थोड़ा में सब। जैसे हमने कहा कि आई ड्रैंक द लिटिल, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास। तो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास, मैं पी गया द लिटिल वाटर जो थोड़ा था सब। आई ड्रैंक द लिटिल वाटर यानी इस ग्लास में जो थोड़ा सा पानी था मैं सब पी गया, देयर इन द बॉटल जो बॉटल में था, जो ग्लास में था। तो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, आई ड्रैंक द लिटिल टी देयर इन द कप, आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क देयर इन द ग्लास। तो आप जो मर्जी करें इसका यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब तीनों को इकट्ठा देखो कि तीनों को एक साथ करके आपको मैं सिखा दूं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का आप कैसे समझोगे, मुद्दा वो समझिए। हमने यहां पे बात करा लिटिल का, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आप कहते हो समझ में नहीं आता सर मैं बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं, एक टर्म पढ़ाऊंगा लेकिन आजीवन याद रहेगा। बस यहां समझ लो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब हमने कहा नेगेटिव वर्ड, डिवीजन करो। लिटिल हमने कहा कि इसके साथ नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, हिंदी होगा नगण्य, हिंदी होगा न के बराबर, समझ में आ गया। ए लिटिल का मतलब होगा थोड़ा, ए लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, क्लियर। द लिटिल का मतलब होगा जो थोड़ा सब, इट इज जो थोड़ा सब, यह ग्रुप को शो करेगा। ग्रुप किसका होगा भाई, इन तीनों का प्रयोग, ध्यान देना, इन तीनों का प्रयोग कहां करना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये तीनों का प्रयोग करना, सिंगुलर प्लस इसके साथ वर्ब भी आएगा सिंगुलर, क्लियर। एक जो एक्सेप्शन है जो हम बोलते हैं लिटिल बॉय, यह जो लिटिल बॉय है, बॉय नाउन है या एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ छोटा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये माइन्यूट मिनट वाला कॉन्सेप्ट दिखाया कि जैसे मिनट लिखते हो माइन्यूट पाते हो, माइन्यूट लिखते हो मिनट पाते हो, उस प्रकार लिटिल और लिटिल ये अनकाउंटेबल है, ये तुम्हारा लिटिल बॉय छोटा टिन्नी, टिन्नी के लिए प्रयोग करते हैं, छोटा के लिए प्रयोग करते हैं। और आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल समझ में आपको आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपसे आसानी से क्वेश्चंस बन जाए। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान हमने लिया है ताकि आप लिटिल, ए लिटिल को समझ पाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि देयर वॉज वाटर विच आई ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर देयर इन द बॉटल, आई डोंट नीड योर हेल्प। अब यहां पे हमने तीनों के लिए हमने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी
a little, option C, the little. तो जल्दी से जवाब दो. तो पहला है देयर वॉज वाटर इन विच आई ड्रैंक. अब यहां पे ध्यान दीजिए कि पहला सेंटेंस है देयर वॉज, अब लिटिल लगाऊं, देयर वॉज लिटिल वाटर, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज द लिटिल वाटर विच आई ड्रैंक. अब यहां ध्यान दीजिए कि देयर वॉज यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर वॉज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था, विच आई ड्रैंक जो मैं पिया था, यानी थोड़ा सा पानी था जो पिया था. क्लियर? आप कह सकते हैं आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, यानी देयर इन द बॉटल मतलब जो बॉटल में था, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर जो थोड़ा था सब पी गया, यानी यहां पे सब का बोध हो रहा है सब, और यहां पे था देयर वॉज अ लिटिल थोड़ा सा पानी था. आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है योर लिटिल हेल्प, तो योर अ लिटिल हेल्प. क्यों सर? क्योंकि डोंट एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ यहां पे लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डोंट एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव क्या होता है, आ लिटिल हेल्प. आई होप लिटिल अ लिटिल आपको समझ में अब आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को आप शेयर करोगे और बढ़िया से पढ़ोगे. तब तक के लिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.